एस सी वर्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 44। अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज अ टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। अ स्मॉल लेंथ डी एल ऑफ द वायर इज कट ऑफ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर। तो एक सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस ए होगी और इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस ए होगी। अब यहाँ पे कुछ स्मॉल डेल्टा एल इतने लेंथ निकाल दी तो ये रेड कलर से जो दिखा है उतना ही लूप रहेगा। अब ये जो निकाला है उस पर भी कुछ चार्ज होगा, लेट्स डी क्यू इतना चार्ज होगा। अब ये डी क्यू के कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये रिमेनिंग जो पार्ट है उसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमें कहा है कि ये जब डी एल यहाँ पे रहे ये निकाला तो रिमेनिंग के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये फाइंड करना है। तो पहले हम जो निकाला है उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये फाइंड करते हैं। जो निकाला है उस पर जो चार्ज होगा डी क्यू, मतलब डी क्यू चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज क्यू है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस सर्कमफेरेंस। मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर निकालते हैं हम तो वो टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, टू पाई और ये रेडियस, तो टू पाई ए ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमने कितनी लेंथ निकाली है डी एल, तो डी एल पर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू ओल लेंथ इतनी निकाली है, इतना चार्ज होगा इस डी एल जो एलिमेंट निकाला है उस पर इतना चार्ज होगा। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एलिमेंट है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी ई वो होगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये अगर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है सिंगल यूनिट, तो ये होगा ए स्क्वायर रेडियस। डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये डी ई इज इक्वल टू क्या आएगा, के डी क्यू की वैल्यू ए क्यू अपॉन टू पाई ए और यहाँ पे ए स्क्वायर, मतलब ये बनेगा ए क्यूब और ये डी एल, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एक। अब हमें रिमेनिंग पार्ट का फाइंड करना है, रिमेनिंग पार्ट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी तो रिमेनिंग पार्ट मतलब ये टोटल ये पार्ट यहाँ पे बिठा दिया तो ये क्लोज लूप होगी, और न्यूमेरिकल 43 में हमने देखा कि अगर एक क्लोज फिगर होगी और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके सेंटर पर हर एक एलिमेंट के कारण सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है जब पूरा सर्कल होगा तब। मतलब जब एक दो ये एलिमेंट यहाँ पे बिठा देंगे तो एक क्लोज लूप होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्कल ये जो होगी वो जीरो होगी। और सर्कल कैसे बन रहा है, तो ये जो हमने निकाला है पार्ट उसके कारण की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट जो निकाला है प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये वाला रिमेनिंग ये दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो जीरो आएगी। अब जो एलिमेंट है ये वाला इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ रही है के क्यू अपॉन टू पाई ए क्यू डी एल प्लस इसके कारण की हमें फाइंड करनी है, इसके कारण की हमें फाइंड करनी है और ये जो एलिमेंट होगा रेड कलर में जो दिखाया है उसके कारण रिमेनिंग जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो इसे इस साइड में आएगा तो वो माइनस बनेगा और ये के क्यू अपॉन टू पाई ए क्यू और ये डी एल माइनस, मतलब सिर्फ ये जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये टोटल फील्ड अगर इस डायरेक्शन में तो इसके कारण ये फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो माइनस सिर्फ वो डायरेक्शन होगी। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कितनी आएगी, के के कारण वैल्यू पुट करें तो ये क्यू ये डी एल डिवाइड बाई के की वैल्यू 1/4π ε0, तो 4 के कारण यहाँ पे होगा 8 पाई और इसका पाई पाई स्क्वेयर 4π ε0 ए क्यूब के की वैल्यू पुट कर रहे 1/4π ε0, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग पार्ट के कारण होगी। टोटल ये जो सर्कल होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी वो जीरो होगी, मतलब जितना भी पार्ट निकालेंगे उसकी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
उतनी ही बाकी का जो एलिमेंट होगा उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। तो फिर उसका लेंथ कितनी भी कम ज्यादा हो, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी, सिर्फ वो अपोजिट होगी, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल होगी और ये टोटल जीरो बन जाएगी। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितने भी लेंथ हम निकालेंगे रिमेनिंग के कारण उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि जितना हमने पार्ट निकाला है।